आपका करियर से, कि आप पहले क्या थे और आज इतने बड़े सुपरस्टार के आप मैनेजर हैं, मैनेज करते हैं, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी और आप इससे पहले क्या करते थे? पहली बात तो ये हमें लगता है कि 1-1.5 महीने बाद किसी से मिल रहे हैं, मतलब किसी को हम इंटरव्यू या फिर कोई ऐसा कुछ बता रहे हैं। रीज़न बिंग कि हम लोग इस सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और सबको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर कंटेंट पे बात करें और हमारे स्टार क्या काम कर रहे हैं, उनके गाने कैसे चल रहे हैं, फिल्म्स क्या कर रहे हैं, उस पर अगर हम लोग बात करें तो हमारी सबकी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। बाकी कंटेंट लोग कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें, उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रादर हम लोग को वो बात करनी चाहिए या वो काम करना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री को या हमारे स्टार को या हमारे लोगों को बेनिफिट मिले, ये पहला। सेकेंड, मैं क्या करता था, मैं पहले एक कंपनी थी हमारी, उसके लिए जॉब करता मैं जी, और 2015 तक मैंने जॉब किया। और उसके बाद मैं यूटीवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं यूटीवी मूवीज डिस्ट्रीब्यूट करता था, सेंट्रल प्रोविनेंस सीपी बोलते हैं उसको, पूना सांगली सतारा साइड। उसके बाद भोजपुरी में आया और फिर मेरी अच्छी किस्मत और जो भी बोलिए, मैं खेसारी भैया से मिला, एज ए फॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी, और वहाँ से हमारी मतलब भाईचारा थी जी, और भैया शुरू से ही प्यार दिए। फिर 2020 में उन्होंने मुझे बोला कि आप ये काम संभालोगे, और फिर मैंने यस कहा, और उनका बहुत बड़ा एक तो मैं बोलूँगा उनका थैंक यू है, मैं हमेशा उनको ही बोलता हूँ कि आपका बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत चीज़ों मेरे अंदर सुधारा है, मेरी लाइफ स्टाइल बोली या मेरी थिंकिंग बोली या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उन्होंने मुझे सिखाया है। शायद मॉम डैड बहुत खुश इस बात से लेके होते हैं कि मैं पहले उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था जितना मैं इनको मैनेज करने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स लाइफ। बहुत सारे मेरे अंदर फॉल्ट्स थे, वो इनकी वजह से सही हुए हैं, बिकॉज मैंने बताया कि बड़े भाई मानते हैं और बड़े भाई के तौर पे वो एक एक चीज़ें मुझे सिखाते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई अपना हक अगर आपके ऊपर जता रहा है तो प्यार से जताता है। तो हमारा प्रोफेशनल रिलेशन है और पर्सनल रिलेशन है, और सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों लोग पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करते। हम दोनों लोग उस चीज़ को अलग अलग रखते हैं, जब पर्सनल है तो फुल पर्सनल है, जब प्रोफेशनल है तो फुल प्रोफेशनल है, और यही उनमें खासियत है और मुझे मज़ा आता है उनके साथ काम करके। तो ये है, आज इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आप सबको कि आज से नहीं बल्कि 6 महीने से, अभी मैंने एक कंपनी को साइन किया है, भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। आज से मेरा कोई मैनेजर नहीं है, यही कंपनी मुझे मैनेज करेगी और आपको एडवर्टाइजिंग या प्रोग्राम चुनाव से संबंधित या मेरे एल्बम से संबंधित, फिल्म से संबंधित जो भी चीजें होगी आप सबको इसी कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। एक बार नंबर दे दो बंटी, इस कंपनी का नंबर है भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, 8169336958। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 8169336958। तो यही कंपनी मुझे आज से मैनेज करेगी। मैनेजर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन सुपर हिट हैं और रहेंगे, तो मैनेजर चेंज हो गए क्या? हाँ, मैनेजर वाला काम अब बंद हो गया और अब से कोई मैनेजर नहीं है भैया का। एक कंपनी है जो खुद भैया आके एक दो दिन में आज आ जाएं, कल आएं, वो लाइव आके अपने लोगों से बताएंगे, जिनको भी गाना लेना होगा, जिनको भी खेसारी भैया का स्टेज शो करवाना हो, प्रोग्राम करवाना हो, या फिर किसी रियलिटी शो के बारे में बात करना हो, किसी ब्रांड के बारे में बात करना हो, तो वो कंपनी ही उनको मैनेज करेगी। उस कंपनी का नाम खेसारी भैया आप लोग से बता देंगे, और अब से उनका कोई मैनेजर नहीं है, और उनके ऑफिशियली उसी कंपनी से अगर मान के चलिए आप हमारे पास भी आएंगे तो हम उसी कंपनी को बताएंगे कि उस कंपनी का नंबर दे देंगे, आप जाके बात कर लीजिए, वो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हाँ, तो अब से कोई मैनेजर और कोई, हम लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काम करते रहेंगे, कोई मैनेजर नहीं रहेगा। यानी कि पहले सोनू पांडे जी थे, फिर विवेक सिंह आए, तो अब ना नए वाले हैं ना उसके पुराने वाले हैं, अब कोई नहीं है खेसारी टीम को, मतलब खेसारी जी को मैनेज करेगी खुद की उनकी कंपनी ही कोई मैनेज करने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि खेसारी भैया को अगर अखिलेश कश्यप बोले, पवन बाबा बोले, कृष्णा भैया को तो मैं नहीं बोल सकता,
और पवन भैया को भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग बहुत दिन से हैं, स्ट्रगल पीरियड से भैया के साथ हैं। अगर वो लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को मैंने बनाया है तो दो मिनट के लिए हम लोग सोचेंगे कि सही बात है, हो सकता है ये लोग मे भी बचपन से साथ में रहे हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, तो लोग बोलेंगे तो ठीक लगेगा। अगर अखिलेश उससे बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को मैं बनाया हूँ, विवेक सिंह बोले, सोनू पांडे बोले, संजय यादव बोले, तो ये कतई से सही नहीं है। खेसारी लाल यादव अपने आप में एक स्टार हैं और अपने दम पे यहाँ तक हैं। तो अगर हमको आपको किसी को भी ये भ्रम हो जाता है कि मैं खेसारी लाल यादव को चला रहा हूँ तो ये गलत चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में रहते हो तो उस रिश्ते में ईमानदारी रखो। अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ दे देता है और उस जिम्मेवारियों का और उस प्यार का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे सबके दिलों में दुख होता है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई भी हो इंसान हो तो वहाँ पे। और खेसारी भैया ऐसे इंसान है कि भैया के लिए कभी भी 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया कोई मायने ही नहीं रखा है अपने लोगों के लिए। तो मान के चलिए हम भी गाना करते हैं, हम भी एक कंपनी वाले हैं, हमारे पास 70-70 लाख 80-80 लाख रुपया का उधारी चलता है, एक ही बार पैसा मिलता है उनको देते हैं हम लोग, तो उतना तक वो इंसान अपने लोगों के लिए मैनेज करता है। तो कुछ ऐसा चीज़ें हुआ है जो इंसान पब्लिकली अपने घर की इज्जत है, घर में ही रहे तो सही है, किसी से क्या बोलना है। क्या ये वही मैटर है जो ग्लोबल वाला विवाद उसी को लेकर कि ये एग्रीमेंट वाला विवाद है या नहीं? फिर ये ग्लोबल का कोई मैटर नहीं है, ये हमारा कुछ ऐसा निजी चीज़ें है जो हमारे हिसाब किताब में गड़बड़िया हुई है, इधर उधर हुआ है, तो उस वजह से सब लोग चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि अब खेसारी लाल यादव को सिर्फ और सिर्फ जो अनाउंस करेंगे यानी कि जो उनकी नई कंपनी होगी उसी कंपनी के थ्रू ही कोई आगे मतलब खेसारी भैया के साथ संपर्क कर सकता है या गाना ले सकता है, स्टेज प्रोग्राम जो भी कर सकता वो आगे ही पता चल पाएगा। जी अभी आपको आजकल के अंदर एक से दो दिन के अंदर में आप सभी को पता चल जाएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नंबर क्या है, उस और उसमें कोई इंसान नहीं है। ये नहीं है कि ये उस कंपनी को मैनेज करे, उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया मैनेज करेंगे। उनके माइंड में रहेगा कि इस कंपनी में कितने लोगों को गाना गया, कितने लोगों का फ़ोन आया है, उसका अलग सब सिस्टम रहेगा, वो सब आपको वो लाइव आके बता देंगे। अगर आपको कोई भी खेसारी भैया से ऑफिशियली आदमी, चाहे वो अखिलेश कश्यप हो, हम अपने आप को ही पहले बोलते हैं, कोई भी हो वो बोलता है कि इतना पैसा दे दीजिए गाना ले लीजिए, कोई भी कंपनी वाले भाई हो या कोई स्टेज शो कराने वाले लोग हो, आप उस कंपनी से डायरेक्ट जाके जुड़िए और वो कंपनी आपसे उसका वेबसाइट होगा, उसका ऑनलाइन हर चीज़ होगा, उसका लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, तो उस कंपनी से जुड़ के ही आपको जाना है। चाहे आप किसी के थ्रू जाइए, अगर आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट या तो खेसारी भैया से बात करिए, नहीं तो उस कंपनी से बात कीजिए, उसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं रहेगा। मतलब खेसारी भैया का एक पीआर टीम लीगली चालू हो जाएगा। हाँ हाँ, उसमें से अब कहीं से चाहे वो सिनेमा के बातें हो, मूवी की बातें हो, एल्बम की बातें हो, स्टेज शो का हो, ब्रांड का हो, जो भी वो काम करते हैं सब कुछ वही मैनेज करेंगे। मैनेज करेंगे।